हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईबी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट्स है जो कैम एंड फॉलोअर्स है उसकी मैं न्यूमेरिकल पोर्शंस है। कैम एंड फॉलोअर हल कैसे जनरेट करते हैं वो मैं बता रहा था, तो इसका सेकंड पार्ट से। इससे पहले मैं एक इसका न्यूमेरिकल पार्ट्स डाल चुका हूँ और मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डाल चुका हूँ, तो उसकी आप मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, या फिर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है कैम एंड फॉलोअर के नाम से या थ्योरी ऑफ मशीन के नाम से, उन दोनों में जाके आप कहीं से भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि न्यूमेरिकल दिया है, अ कैम इज टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू अ नाइफ एज फॉलोअर। दिया आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, डोइल ऑफ द नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, डोइल ऑफ द रिमेनिंग 3 to 10 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। अब दिया है फॉलोअर के बारे में, द स्टॉक ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm, जो फॉलोअर है कितना दिया 40 mm, और इन मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम, कैम की जो रेडियस दी है 50 mm। द फॉलोअर्स मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग बोथ आउट स्टॉक एंड रिटर्न। जो कंडीशन दी है, फॉलोअर मूव कैसा कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग, ठीक है, क्या कह रहा है, मूव फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम जो कंडीशन बता रहे थे, जो अभी न्यूमेरिकल चला रहा हूँ, वो फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो वही वाली कंडीशन दी है। अब क्या है, जो प्रोफाइल दिया है, क्या द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम। जबकि मैंने उससे उसमें जो पिछले न्यूमेरिकल में क्या कराया था, द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज पासिस कहाँ से हो रही थी, द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, दोनों की एक्सिस कैसी सेम थी, जबकि इसमें फॉलोअर की जो जो एक्सेस है वो ऑफसेट कितनी है, कितनी दूर है जो कैम की एक्सेस से 20 mm, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसकी जो कंडीशन ऑफसेट 20 mm, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल हो गया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका न्यूमेरिकल। सबसे पहले गिवन, जैसे कि हर न्यूमेरिकल में अपन गिवन लिखते हैं पहले, तो इसमें भी पहले गिवन लिख लेंगे। आउट स्टॉक ड्यूरिंग दिया 60 डिग्री, डोल दिया 30 डिग्री, रिटर्न स्टॉक दिया 60 डिग्री, और रिमेनिंग कितना दिया 210 डिग्री। स्टॉक ऑफ द फॉलोअर दिया 40 mm, और जो मिनिमम रेडियस दिए कैम की 50 mm। तो सबसे पहले गिवन लिख लिया, आप कंसीडर करें, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग करते हैं वो सेंटीमीटर में करते हैं या मीटर में, मिलीमीटर में करते हैं, तो हमारी स्किल सेंटीमीटर में होती है, इसलिए सेंटीमीटर में ड्राइंग करते हैं। तो हम इसको जो जो हमारा एंगल दिया है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो कुछ एंगल कुछ सेंटीमीटर के बराबर मान लेते हैं, इसके बाद उसको अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो मैं आगे स्टार्ट करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर हमने माना है कि 10 डिग्री इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, 10 डिग्री इक्वल टू क्या माना, 0.5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपन ने 10 डिग्री इक्वल टू माना 0.5 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। इस तरह आउट स्टॉक कितना दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री को अपन अगर जो कंसिडर किया उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। इस तरह ड्वेल दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री को अगर इसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे 10 डिग्री इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर के, तो आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब डोल ऑफ द रिमेनिंग कितना दिया 210 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 10.5 सेंटीमीटर। रिटर्न स्टॉक दिया 60 डिग्री, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3 सेंटीमीटर। इस तरह ये कन्वर्ट कर लिया। अब अपन स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट आप जानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ए एक्स, जिसको नाम क्या देंगे ए एक्स। ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी करेंगे, क्योंकि जो एंगल टोटल होता है 360, तो अपन 360 के हिसाब से एक टोटल लाइन खींच लेंगे कितने की, 360 के हिसाब से 10 डिग्री इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर माना, तो उसके हिसाब से कितना होगा 18 सेंटीमीटर। तो अपन ए से एक्स तक कितना खींचा, 18 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। अब उसमें मार्क करेंगे कौन सा, आउट स्ट्रॉक, डोइल और रिटर्न स्ट्रोक, जो हमारे एंगल दिए हैं जो अभी अपन ने कंसीडर किए। तो मार्क ए एक्स, ए एक्स क्या माना अपन ने, आउट स्ट्रोक माना ए एस, जो कितना दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 3 सेंटीमीटर। अब ऑन द एक्स वाई लाइन, एक्स वाई जो लाइन दिया हमारी ए एक्स लाइन, उसके ऊपर अपन आउट स्ट्रोक 60 डिग्री मेजर कर देंगे, यहाँ से ए एस तक कितना कर देंगे 3 सेंटीमीटर। तो ए से 3 सेंटीमीटर एक मार्क लगा देंगे, और जो यहाँ सो क्या कराएंगे, जो 60 डिग्री दिया है उसको कराएंगे, 3 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ आउट स्ट्रोक लिख के 60 डिग्री मेजर। अब एस टी मीन्स माना अपने डोइल, डोइल कितना दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू होता 1.5 सेंटीमीटर, तो एस से टी तक कितना मार्क कर देंगे 1.5 सेंटीमीटर, और जो सो कराएंगे 30 डिग्री। इस तरह जो टीपी दिया 60 डिग्री, मतलब रिटर्न स्टॉक 60 डिग्री बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, तो जो टी से पी कितना 3 सेंटीमीटर का मार्क कर देंगे और पी पॉइंट बना देंगे, और यहाँ सो करा देंगे 60 डिग्री, रिटर्न स्टॉक लिख देंगे। पी से एक्स वाई जो रिमेनिंग बचा 210 डिग्री, 210 डिग्री मतलब होता 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो कंसिडर किया हमने इसलिए, तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर करके 210 डिग्री सो करा देंगे, और जो लिखा है वो लिख देंगे। तो फर्स्ट लाइन ऐसी ड्रॉ करके वो मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं अपन,
सेकंड स्टेप करेंगे ड्यूल वर्टिकल लाइन ड्रॉ का करेंगे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ए वाई इक्वल टू द स्टॉक ऑफ द फॉलो फॉलोअर का जो स्टॉक दिया फॉलोअर का स्टॉक जो 40 एमएम दिया उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 से डिवाइड करके तो वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर तो है कंप्लीट द रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर कंप्लीट करेंगे तो जो हमारा ए पॉइंट है यहाँ से ऊपर की ओर 40 एमएम मतलब 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे ठीक है और यहाँ पर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे किसके बराबर ए ए एक्स के बराबर तो यहाँ पर भी एक्स के बराबर एक लाइन खींच ली और जो 4 सेंटीमीटर इधर भी 4 सेंटीमीटर खींच के पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे और जो हमारे पॉइंट था ए एस टी पी इसको भी ऊपर की ओर बढ़ा देंगे ऊपर वाली लाइन तक तो इस तरह एक बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टॉक करेंगे डिवाइड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द आउटर स्टॉक रिटर्न स्टॉक जो हमारा आउटर स्टॉक है और रिटर्न स्टॉक को क्या करेंगे कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे एनी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट मतलब इवन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे माना कि 6 में अपन डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आसान होता है 60 डिग्री यहाँ पर दिया है ड्रॉ वर्टिकल लाइन थ्रू ईच पॉइंट सारे पॉइंटों से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना तो अपन जैसे इसमें अपन क्या करेंगे अब कितनी हमारी यहाँ पर ये जो टोटल दी है 60 डिग्री तो 60 डिग्री लिखा हुआ है लेकिन इससे कन्फ्यूज ना हो लेकिन हमारी यहाँ से यहाँ तक कितना 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर के अपन को 6 पार्ट करना मतलब 0.55 सेंटीमीटर कितने पार्ट हो जाएंगे 6 तो यहाँ पर स्केल रख के 0.5 पे मार्क लगा देंगे और सारे मार्कों से ऊपर की ओर क्या करेंगे वर्टिकल लाइन खींच देंगे तो यहाँ पर याद रख के हमने 0.5 के 6 पॉइंट लगा लिए ठीक है। इसी तरह यहाँ पर रिटर्न स्टॉक में भी 0.5 के 6 पार्ट कर लेंगे और इसको 0 से 6 तक दिया और सेम इसको डेड डेस्क में अपन नंबरिंग कर देंगे सेम नंबरिंग करेंगे तो इस तरह ये पार्ट करके अपन 6 पार्ट इसके कर लेंगे ठीक है। नंबरिंग का याद रखें यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे इधर भी 0 डेस्क से स्टार्ट करेंगे सेम नंबरिंग होगी बस इधर क्या कर देंगे रिटर्न में डेस्क कर देंगे ठीक है 0.55 के इसमें पार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे सिंस द फॉलोअर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग आउटर स्टॉक एंड रिटर्न स्टॉक ठीक है देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइन एजी एंड एसपी मतलब क्या करेंगे ए से जी हम क्या करेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जो ऊपर डायग्राम मैंने बताया उसको क्या करेंगे इस कॉर्नर से सीधा अपन एक वर्टिकल डाल देंगे ए से जी तक नंबरिंग ए ऑलरेडी इसको ए दे चुके हैं अपन यहाँ से इस पॉइंट को क्या जी नंबरिंग दे देंगे इस तरह रिटर्न स्टॉक में जो यहाँ पॉइंट है उसको एच नंबरिंग देंगे और सीधी एक लाइन खींच देंगे कौन सी इसको पी नंबरिंग दे देंगे। अब जो हमारी जो वर्टिकल लाइन खींची उसको कट करते हुए निकलेगा जो हमें पॉइंट मिला ऐसे ए पॉइंट मिला एक ए पॉइंट में एक पॉइंट इस तरह ये सारे पॉइंट मिले हुए इसको नंबरिंग दे देंगे ए ऑलरेडी दिया हुआ बी सी डी ई एफ जी हमने यहाँ दे देंगे ठीक है इस तरह एच जे के एल एम एन पी सेम नंबरिंग पूरी नंबरिंग दे देंगे ठीक है और नीचे हमारा जो जैसा लिखा हुआ है ये सारा रिटर्न कर देंगे ठीक है उसकी डायमेंशन दे देंगे तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के थ्रू अपन गेम प्रोफाइल जनरेट करेंगे तो फ्रेंड्स अब कैम प्रोफाइल का देखते हैं कैसे जनरेट करते हैं कैम प्रोफाइल जैसे कि प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम जो एक्सिस है कैम की उससे 20 mm ऑफसेट मतलब दूर एक एक्सिस बनाएंगे प्रोफाइल की वहां से अपन को उसको एक कंडीशन दी इस कंडीशन के हिसाब से तो सबसे पहले जैसा कि दिया है ड्रॉ अ बेस सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम कैम की रेडियस दी है 50 mm ठीक है। अब विथ ओ सेंटर्स 50 mm क्या दिया रेडियस दिया है रेडियस 50 mm दिया उसके हिसाब से क्या करेंगे अपन इसको इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे मतलब कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे मतलब 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे एक सेंटर कहीं बीच में मान लेंगे उससे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जैसा कि सर्कल दिख रहा है सर्कल ड्रॉ कर देंगे इसकी जो रेडियस है 5 mm मतलब 5 सेंटीमीटर रेडियस दिए डायमीटर से कन्वर्ट ना हो डायमीटर नहीं है ये क्या रेडियस है तो रेडियस लेंगे रेडियस के आर्क लेंगे 5 सेंटीमीटर का यहाँ एक सेंटर लेंगे उससे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बताते हैं अब तक सेकेंड थर्ड स्टेप का ड्रॉ द एक्सेस ऑफ द फॉलोअर एट अ डिस्टेंस 20 mm फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द कैम विथ इंटरसेक्ट ऑफ द बेस सर्कल एट ए ठीक है। अब नेक्स्ट क्या ज्वाइन एओ एंड ड्रॉ ऑफसेट सर्कल ऑफ रेडियस 20 mm विथ तो सबसे पहले 2 को ऑफसेट के क्या करते हैं 2 में कह रहा है कि जो हमारी 20 mm दूर एक एक्सेस बनाना है ठीक है जो कि फॉलोअर की होगी तो हमारी एक्सेस थी ऑलरेडी सर्कल ड्रॉ कर चुके थे ए पॉइंट था यहाँ से एक 20 mm इधर इधर की ओर क्या करेंगे 20 mm एक लाइन डॉट डॉट लाइन डाल देंगे जो कि जिसको अपन क्या बोल रहे हैं कैम की फॉलोअर की क्या है एक एक्सेस है तो कितनी दूर है 20 mm तो यहाँ से याद रखें सेंटर लाइन से 20 mm इधर की ओर एक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिख भी दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक की 20 mm पे एक एक्सेस लाइन डाल दी ठीक है एक्सेस लाइन डाल देंगे। इसके अलावा इसके बाद क्या करेंगे ज्वाइन एओ एंड ड्रॉ द ऑफसेट सर्कल ऑफ रेडियस 20 mm इसके बाद क्या करेंगे इस सेंटर से यहाँ तक का इस सेंटर से यहां तक का क्या लेंगे रेडियस लेंगे क्या करेंगे इस सेंटर से यहां तक यहां पर प्रकार की नुक रखेंगे और यहां पर से रेडियस लेंगे और वहां से क्या करेंगे सर्किल ड्रॉ कर देंगे जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में बताता हूं ठीक है। इतना ये तो याद आ गया यहां से यहां 20 mm पे अपन ने एक्सिस डाल दिए
जिसे क्योंकि कंडीशन दी है 20 mm ऑफसेट द एक्सिस ऑफ द कैम। अब इस स्टेप में क्या करेंगे हम, अब जो हमने ऑफसेट एक लाइन डाली थी यहां से यहां तक का लिया एक आर्क लिया या फिर यहां से यहां तक की रेडियस ली जो कि 20 mm है या 2 cm ले सकते हैं। mm को क्या करेंगे सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे 10 से डिवाइड करके, तो 2 cm की या ऑलरेडी हम जो एक्सिस लाइन खींची थी वहां तक की डिस्टेंस लेंगे और एक पूरा सर्किल ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे पूरा, ठीक है, जो कि इस एक्सिस से टच करती हो जाएगी क्योंकि इसकी रेडियस इसके बराबर है। और क्या करेंगे इस पॉइंट ओ से ये जो हमारी क्योंकि जो हमने जो एक्सिस लाइन खींची कहां तक खींची सर्किल को टच करें यहां तक खींची थी, तो अब सर्किल को यहां पर कट कर रही उसको पॉइंट ए दे देंगे, कहां पर यहां पर जहां पर कट कर रही वहां पर पॉइंट ए दे देंगे। इस पॉइंट से ओ से एक सीधी लाइन एक दूसरे से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से एक लाइन खींच देंगे और इसको मिला देंगे यहां पर। ये आपको पेंसिल से ड्रॉ करना, मैंने पेंसिल बना के आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहां से यहां तक ड्रॉ कर दिया इस तरह, ये क्या करेंगे इतना एक थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। याद रखें एक नीचे सर्किल ड्रॉ कर देंगे 20 cm का या जो लाइन यहां से निकली हुई ऑलरेडी वहां से डिस्टेंस लेके और पॉइंट ओ को ए से मिला देंगे, क्योंकि ये पॉइंट कैसे मिला हुआ है इस लाइन को ऊपर ले गए अपन सर्किल तक टच कराया, तो यहाँ जो सर्किल को टच किया वहां पर कट किया वहां पर पॉइंट ए दे दिया और एक पॉइंट को ओ से मिला दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हमारे जो एंगल है जो आउट स्टॉक कितना दिया था 60 डिग्री और जो हमारा एसओटी मतलब क्या बोलते हैं ड्वेल दिया था 30 डिग्री और जो रिमेनिंग ड्वेल दिया जो रिटर्न स्टॉक कितना दिया 60 डिग्री। जो हमारा 60 30 और 60 डिग्री जो हमारे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो हमने बनाया हुआ था उसमें जो शो कराए हैं उसको इसमें शो कराएंगे। तो हमें याद रखना ये जो लाइन है जो मैं आपको माउस से दिखा रहा हूँ ये जो लाइन दिख रही ओ ए ओ और ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, मतलब जो हमारा चांदा होगा उसकी जो बीच की 90 डिग्री वाली लाइन होगी कहाँ पर सेट करेंगे इस पर, बकाया ऐसा कैसा भी सेट हो जाएगा 90 डिग्री वाली लाइन इस पे सेट होनी चाहिए। जब इस पे 90 डिग्री लाइन सेट हो जाएगी फिर इधर से क्या करेंगे इधर की ओर मूव करेंगे, कहाँ से यहाँ से इधर की ओर मूव करेंगे चांदे पर और अपन 10 10 10 करके मेजर करेंगे, कितना मेजर कर लेंगे 60 डिग्री। जहाँ पर 60 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर 60 डिग्री होगा वहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे वहीं से और थोड़ा मेजर करेंगे, जब 60 डिग्री एक पॉइंट लगाएंगे उसके बाद 30 और मेजर करेंगे, 30 डिग्री क्या करेंगे फिर से एक अपन यहाँ पर क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे। याद रखें पहला 60 डिग्री फिर 30 डिग्री पर क्या करेंगे दो पॉइंट लगा देंगे यहाँ से कहाँ से यहाँ से यहाँ पर 90 डिग्री वाली जो लाइन है सेट करेंगे चांदी की, इसके बाद इधर को मेजर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर शो करा देंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री। इसके बाद रिटर्न स्ट्रोक बचा हमारा 60 डिग्री तो यहाँ फिर से चांदा उठाएंगे चांदी की जो 90 डिग्री वाली लाइन कहाँ कहाँ पर सेट कर लेंगे टी वाली ओ से टी लगाई जो लाइन दी है ए वाली इस पर क्या करेंगे चांदी की 90 डिग्री वाली लाइन सेट कर लेंगे। फिर इधर से क्या करेंगे इधर की ओर टी से पी की ओर क्या करेंगे अपन 60 डिग्री फिर मेजर करेंगे, ठीक है, जो उसमें नंबर दिए रहते हैं 10 10 से तो अपन 60 डिग्री तक मेजर कर देंगे फिर एक से एक पॉइंट लगा देंगे, जहां पॉइंट लगाएंगे वहां से ओ से इसको फिर से एक लाइन मिला देंगे। ये भी हमारा रिटर्न स्टॉक कितना मिल जाएगा 60 डिग्री, तो इस पर शो करा देंगे 60 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये हो गया हमारा आउटर स्टॉक, ये हो गया डोयल स्टॉक और ये हो गया रिटर्न स्टॉक। इस तरह इसमें हमारा मार्क कर देंगे और जो लाइन है ज्वाइंट कर देंगे कहाँ से ओ से टी उसको नाम दे देंगे ए ओ एस क्या होगा 60 डिग्री टी ओ क्या हो गया एस ओ टी क्या हो गया डोयल टी ओ पी क्या हो गया आउट स्टॉक जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह ये हमारा मार्क कर देंगे एंगल। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अब क्या करेंगे हमारा जो हमारा अब क्या करेंगे जो हमने जैसे लिखा हुआ डिवाइड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यू आउटर आउटर स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के दौरान जो हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम उसमें क्या कहते हैं 6 6 पार्ट किए थे, आप ऊपर जाके देख लें वीडियो में, तो क्या 6 6 पार्ट किए, तो इसमें भी हम जो हमारा आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक उसके भी सेम 6 6 पार्ट करेंगे, लेकिन उसमें क्या किए थे हमने 3 3 3 सेंटीमीटर के हिसाब से किया था, लेकिन यहाँ पर हमारा एंगल दिया तो एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो याद रखें चांदा हमारा चांदा की 90 डिग्री की जो हमारा लाइन थी वो कहाँ यहाँ पर रहेगी और चांदे को यहाँ सेट कर लेंगे 90 डिग्री वाली चांदे की यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर जो 10 10 के क्योंकि 60 डिग्री दिया है तो हम 10 10 डिग्री के 6 पार्ट कर सकते हैं, तो हमारा जहाँ पर 10 10 डिग्री है वहाँ पर ऐसा पॉइंट लगा देंगे जैसे हमने लगाया हुआ 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह आप चांदे पर आप 10 10 डिग्री के पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ पर आप सेट करेंगे ठीक है 90 डिग्री यहाँ पर सेट कर लेंगे और 90 डिग्री यहाँ पर सेट करके इधर की ओर 10 10 10 10 की पॉइंट लगा देंगे, इधर भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के 10 10 डिग्री के अपन यहाँ पर क्या हो जाएंगे पार्ट्स हो जाएंगे। याद रखें कैसे क्योंकि जो हमारा चांदा है इसकी 90 डिग्री वाली लाइन यहाँ पर आएगी, तो इस तरह उसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से जीरो यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 इस तरह ये नंबरिंग कर देंगे जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में नंबरिंग की थी, सेम नंबरिंग यहाँ पर भी करना है अपने मन से नहीं करना है।
तो हमने इसके पार्ट्स कर लिए और नंबरिंग कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, जो यहाँ से ये सारे पॉइंट हैं इस पर लाइनें खींचेंगे, पहले छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, कैसे खींचते हैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ द फ्रॉम द पॉइंट नंबरिंग दे दिए बेस सर्किल टेन, क्या लिखा इट ऑन द बेस सर्किल, कौन सा ये बेस सर्किल है, इस पे क्या करना है ड्रॉ टेंजेंट और द ऑफसेट सर्किल एंड प्रोड्यूस बेस टेंजेंट बियॉन्ड द बेस। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कैसे करता है मैं, अब जैसा मैंने अब बताया टेंजेंट है, अब यहाँ पर क्या करना आप स्केल रखना पॉइंट यहाँ से मार्क निकलते हुए, यहाँ से इस तरह स्केल रखना कि इस पॉइंट से गुजरे, यहाँ से जो पॉइंट लगाया था वहां से गुजरे बन वाले से, और इस जो सर्किल है जो हमारा इसको थोड़ा टच करे, मतलब टेंजेंट करना मतलब इससे स्पर्श करे, तो इससे स्पर्श करेगी स्केल मतलब जो हमारी लाइन खींचेगी बन से जो इस पॉइंट से गिरेगी वो सर्किल को भी स्पर्श करे और इस पॉइंट के जो इस बिंदु से भी निकले, तो इस तरह यहाँ से स्पर्श करते हुए हम एक लाइन खींच देंगे थोड़ा निकालते हुए क्योंकि हम इस पर आर्क लगाएंगे इस तरह। फिर हम स्केल उठाएंगे तो पॉइंट टू टू के इस पॉइंट से यहाँ से गुजरते हुए सर्किल को टच करते हुए एक लाइन खींच देंगे इस लाइन से थोड़ी बड़ी, इस तरह थर्ड पॉइंट से गुजरते हुए स्केल रखेंगे इससे टच करेंगे सर्किल से, इस तरह एक लाइन खींच देंगे पॉइंट थ्री से गुजरते हुए इससे बड़ी, एक दूसरे से बड़ी लाइन खींचना है, इस तरह पॉइंट फोर पे स्केल रखेंगे और जो हमारे सर्किल को टच कराते हुए स्केल सेट कर लेंगे ऐसी कि फोर से एक लाइन खींच देंगे, इस तरह फाइव पॉइंट से सर्किल को टच कराते हुए इस पॉइंट से गुजरते हुए एक लाइन खींच देंगे, इस तरह सिक्स पॉइंट से गुजरते हुए सर्किल को टच करते हुए एक लाइन खींच देंगे। अब ये तो हो गई हमारे आउटर स्ट्रोक की बात, आप रिटर्न स्ट्रोक में सेम ऐसे ही करेंगे, इस सर्किल से टच हो जीरो पॉइंट है वहां से टच कराते हुए एक लाइन खींचेंगे बड़ी सी सर्किल को टच करा, फिर इससे छोटी खींचेंगे बन से सर्किल को टच कराते हुए टू से स्केल रखेंगे सर्किल को टच कराते हुए, इस तरह सर्किल को टच कराते हुए इन पॉइंटों से लाइन गुजारते हुए सारी लाइन खींच देंगे जिस तरह हमने खींची हुई है छोटी बड़ी बड़ी बड़ी, फिर इधर से बड़ी छोटी छोटी छोटी। अब क्या करेंगे हम, जो हमने अब जो आर्क लगाए हुए आर्क दिख रहे हैं आपको ये कैसे लगाना है, जिस तरह जो हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है वहां से अपन इसकी डायमेंशन लेंगे, कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ, इससे समझ लें हमें क्या करना है। ये वन पॉइंट दिख रहा है यहां से बी तक की डिस्टेंस लेंगे और उधर से जो हमारा कैंप प्रोफाइल का है उसके वन पॉइंट से जो ऊपर लाइन निकली हुई एक्स्ट्रा उस पर कट कर देंगे, इस तरह टू पॉइंट से लेंगे सी तक की डिस्टेंस टू पॉइंट से रख के उस पर सी उसी लाइन पर कट कर देंगे, इस तरह थ्री पॉइंट से डी तक की डिस्टेंस लेंगे और इस तरह हम दिखाते हैं पहले वन से बी तक की हमने डिस्टेंस ली एक आर्क लिया, उसको क्या करेंगे जो वन से अपने बी तक की डिस्टेंस ली यहाँ वन पॉइंट से जो ऊपर लाइन निकली हुई वहां पर एक आर्क लगा देंगे, इसके बाद लेंगे टू से एक ऐसे आर्क लगाएंगे इस तरह टू से सी तक की डिस्टेंस लेंगे, मतलब आर्क ले लेंगे प्रकार से इस तरह, क्या किया थ्री पॉइंट से डी की डिस्टेंस ली और जो हमारा कैम प्रोफाइल का डायग्राम उस पर थ्री पॉइंट से रखी ऊपर जो लाइन निकली उस पर कट कर देंगे, इस तरह फोर से ई तक की डिस्टेंस लेंगे जो आर्क लेंगे प्रकार से और जो फोर पॉइंट है वहां पर रखते उस पर कट कर देंगे, इस तरह फाइव से एफ का लेंगे और सिक्स से जी का लेंगे और इस तरह अब यहाँ तक इस तरह जो मैंने बताया यहाँ से रख के कट करते जाएंगे फोर से यहाँ से सभी कट कर देंगे, अब इस तरह जो हमने यहाँ से वन से बी तक का डिस्टेंस लिया जो यहाँ पर कट गई तो याद रखें इसको यहाँ से कट करेंगे और उसी टाइम अपन यहाँ से जो इस पॉइंट से इसको कट कर देंगे, फिर तो टू से जब इसको कट करते हुए तो इस पॉइंट को यहाँ से इसको भी कट कर देंगे, जब थ्री से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर इसको इसको भी कट कर देंगे, मतलब दोनों तरह हमें कट करते हुए जाना, ये इधर से स्टार्ट हुआ इधर से ये इधर से कट करना स्टार्ट करेंगे इधर से कट करना स्टार्ट करेंगे, तो याद रखें बार बार आर्क नहीं लें, एक बार इसका आर्क लेंगे तो इधर भी कट कर दें, इसका आर्क लेंगे तो इधर भी कट करें, इसका आर्क लेंगे मतलब इस तरफ दोनों तरफ कट करते हुए निकलें, तो इस तरह हमें ये पॉइंट मिल जाएंगे। पॉइंट के बाद क्या करेंगे हमें यहाँ से ए से स्टार्ट करेंगे पॉइंट में, तो सारे पॉइंट एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ तक इसका एक आर्क बनाएंगे, ठीक है आर्क बनाएंगे उसको डार्क कर देंगे तो हमारी वो कैंप प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी, ठीक है फिर उसको नंबरिंग देंगे और यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या करेंगे हम ऊपर ऊपर की ओर कितना 4 सेंटीमीटर 40 एमएम जो फॉलोअर दिया उसको 4 सेंटीमीटर मेजर करके सीधा वर्टिकल एक लाइन खींच देंगे, दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट है जैसे कह लिखे नाउ सेट ऑफ वन सी वन टू टू डी, इस तरह इसको क्या करेंगे सेट कर लेंगे जो हमने आर के जैसे बताया ज्वाइन द पॉइंट सारे पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे, अब जो नंबरिंग दे दी मैंने बी सी डी ई जो हमने पॉइंट के वहां से जो आर्क लिया था और कट किया था इन लाइनों को मैंने बता दिया कैसे कट करना और सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिलाते हुए जो ऑलरेडी नंबरिंग दी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में उसी नंबरिंग को सेम कर देंगे, इस तरह यहाँ पर जो रिटर्न स्टॉक में डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में नंबरिंग दी वो सेम यहाँ पर कर देंगे और एक दूसरे पॉइंट मिलाते हुए केम प्रोफाइल जनरेट कर लेंगे और ये यहाँ पर इसको भी डार्क कर देंगे जो हमारी अधूरी दर की प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है यहाँ पर लिख देंगे ऑफसेट सर्किल है ये बेस सर्किल है ये केम प्रोफाइल है और ये नाइफ एज प्रोफाइल है जो यहाँ पर बना देंगे, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर खींचेंगे क्योंकि प्रोफाइल 40 एमएम दी है 40 एमएम को सेंटीमीटर कन्वर्ट करके प्रोफाइल बना दी और इस तरह एक नाइफ एज बना दिया फ्रेंड्स, तो ये हमारी एक केम प्रोफाइल जनरेट करके मैंने बताई है जो कि
ऑफसेट कंडीशन, जब ऑफसेट दिया हो एक्सिस से, केम प्रोफाइल की जो एक्सिस से ऑफसेट दिया हो फॉलोअर की एक्सिस, जब अपन इस तरह अपन ये ऑफसेट यहाँ पर जो मैंने दिखाया 20 mm, ये सारी डायमेंशन दे दी मैंने और सारी नंबरिंग दे के, अब अपन को जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया वो आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाना है, वो सीखने के लिए आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए एक एक पॉइंट, ये आपको कंप्लीट एक ही डायग्राम बनाना है, ये वाला जो मैंने बनाया हुआ आपको 1x1 ड्रॉ करके पूरा इस तरह का कंप्लीट डायग्राम बनाना है एग्जाम में, जिससे कि आपको कंप्लीट नंबर मिल सके। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर किया करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले आपकी वीडियो, हमारे वीडियो आपके पास पहुंच सकें, और हमारे जो भी इसके जो कैंप प्रोफाइल चल रहा है इसके दो वीडियो नहीं देखें वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में देख लें, या फिर आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।